अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। क्या आप लोग स्किन ग्लोइंग नहीं है या पहले ग्लोइंग थी और अब ग्लोइंग नहीं रही और स्किन कहती है जो मर्जी कर लो मैंने ग्लो नहीं करना? तो आज आप सब अपनी स्किन को कहते हैं काका जी तू नवाब अजी बहुत खराब है। अच्छा जी, आज की वीडियो के बाद सबकी स्किन ग्लो करेगी 7 दिन के अंदर अंदर। 7 दिन के अंदर ना करे तो 7 दिन के प्रोसेस और रिपीट कर लीजिएगा, क्योंकि जिनकी ज्यादा स्किन डल होगी है थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा उनकी स्किन पर ग्लो आने के लिए। हाँ जी जनाब, इसके 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, मैंने 4 बोल दिया था गलती से, इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। बहुत इजी स्टेप्स हैं, हम जी सो के उठे हैं और अब जी चलते हैं पहले स्टेप की तरफ। हमने सुबह उठ के क्या करना है, चलें जी पहले स्टेप की तरफ। हाँ जी, अब आता है नंबर फर्स्ट स्टेप की बारी, जो कि मॉर्निंग हमने सुबह उठ के करना है। सुबह उठते सार हम लोग ने मुंह धोना है अच्छी तरह, हम लोग ने स्क्रब यूज नहीं करना, सिंपल फेस वॉश यूज करना है जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स छोटे छोटे ना हो, ठीक है जी। उसके बाद जो हमने टोनर बनाना है, सबसे पहले टोनर देखते हैं हमने किस तरह बनाया है, फिर हम वापस आते हैं। तो जी अब हमने करना क्या है जी, मैं येवली एलोवेरा जेल यूज कर रही हूँ। 1 टीस्पून हमने एलोवेरा जेल लेनी है, अपने अपने मुंह के हिसाब से ले लीजिएगा। ये मैं थोड़ी सी ज्यादा लूंगी, ठीक है जी, ये ले लिए। उसके बाद हमें एक लेमन चाहिए, हमने गिन के 3 कतरे डालने हैं, 2 कतरे डालने हैं बस, इससे ज्यादा हमने लेमन ऐड नहीं करना। 1 2 3, ठीक है जी। अब जी हमने चम्मच लेनी है और इसको अच्छी तरह मिक्स कर देना है, बिल्कुल अच्छी तरह। हाँ जी, अब आप लोगों ने टोनर देख लिया है किस तरह बनाना है और किस तरह लगाना है। अब बारी आती है नीम गर्म पानी पीने की। नीम गर्म पानी पीना बहुत जरूरी है। हमने नीम गर्म पानी और उसके अंदर 1/2 टीस्पून, सिर्फ 1/2 टीस्पून इतना सा शहद डाल के पी लेना है। चले जी वो पीते हैं। हाँ जी, अब बारी आती है स्टेप नंबर 2 की, जो कि दोपहर की बारी आती है। दोपहर में हम लोगों ने स्किन पे मास्क लगाना है और लिप्स पे भी मास्क लगाना है। जिनके लिप्स पे लिपस्टिक लग गया किसी भी तरीके से, किसी भी चीज से काले हो गए या ब्राउन हो गए हैं, वो वापस आ जाएंगे, कोई मसला नहीं। चले जी पहले हम स्किन का मास्क तैयार करते हैं और फिर हम लिप्स का मास्क तैयार करते हैं। चले जी। हाँ जी, स्किन का मास्क तैयार करने के लिए हमें जी एक बाउल चाहिए। इसके अंदर हम 1 चम्मच मुंह के हिसाब से ये आटा लेंगे, जो रोटी बनाने के लिए आटा होता है ना गंदम का, ये वो आटा है, ठीक है जी। ये जी हमने आटा ऐड कर दिया इसके अंदर। ये यहाँ पे मैंने दूध रखा हुआ है, आप लोग कच्चा इस्तेमाल कर लो, बकरी का इस्तेमाल कर लो, गाय का इस्तेमाल कर लो, मच्छ का इस्तेमाल कर लो, जिस मर्जी का इस्तेमाल कर लो, ठीक है जी। लेकिन दूध कच्चा होना चाहिए या चलो पका भी हुआ तो खैर है। ये 2 टीस्पून मैंने इसके अंदर दूध ऐड किया और अब ये मैं मिक्स कर रही हूँ, मिक्स 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 मिक्स, ठीक है जी। ये देखें जी इस तरह की पेस्ट बन गई है। अब जी पेस्ट लगाते हैं, थोड़ा सा और ऐड करती हूँ। हाँ जी, अब मैंने सारा ग्लोइंग मास्क लगा लिया है आटे वाला। सबसे पहला पॉइंट, हम लोगों ने ब्रश यूज नहीं करना। अगर आप लोग का ब्रश बहुत सॉफ्ट है तो यूज करें, वरना कोशिश करेंगे हाथ से करें, हाथ से करेंगे तो पिंपल के निशान भी ज्यादा जल्दी चले जाते हैं और पिंपल जो बना होता है ना वो भी छिड़ता नहीं है। अब देखिए जी, पिंपल की जगह छोड़ के मैंने हर जगह लगाया। पिंपल पे आप लोगों ने कुछ भी नहीं लगाना है, ठीक है जी। पिंपल को हमने अकेला छोड़ देना है, ये अकेली ही जिंदगी गुजारे कब तो गुजार लेगा अकेले, है ना, सोचने वाली बात है। अच्छा जी, अब जी हमने ये मास्क लगा लिया। अब बारी आती है लिप्स के मास्क बनाने। ये देखें जी, ये इतनी सी हल्दी ली है, ठीक है, और अब इसमें दूध ऐड करूंगी। कोई भी आप लोग दूध ऐड कर सकते हैं, उतना दूध ऐड करना है कि पेस्ट बन जाए, पतली नहीं थोड़ी गाढ़ी चाहिए पेस्ट, ठीक है जी। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर हल्की सी डाली दूध की और ये पेस्ट बन गई। चलिए जी अब ये पेस्ट मैं अप्लाई करती हूँ। हाँ जी, मैंने लिप्स पे पेस्ट अप्लाई कर दी है और मुंह पे की हुई है। टोटल हमने 10 मिनट के बाद दोनों को धो लेना है, ठीक है जी। मुंह को ज्यादा रगड़ना नहीं है, हल्का सा गीला हाथ करके सर्कुलर मोशन से पूरा हाथ को मुंह पे रख कर यूं यूं हल्का सा रब करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद लिप्स को हमने डायरेक्ट यूं नहीं उतारना, हम लोगों ने टूथब्रश की मदद से सर्कुलर मोशन से आराम आराम से हल्के हाथों के साथ स्क्रब करके ये अपने हल्दी के पेस्ट को उतारना है, ठीक है जी। अब मैं 10 मिनट के बाद मुंह धो के और ब्रश के साथ स्क्रब करके वापस आती हूँ। अब मैंने अपना मुंह अच्छी तरह वॉश कर लिया है,
ठीक है जी। जो आप लोग को मैंने स्क्रब बताया ना टूथब्रश के साथ स्क्रब करने लिप्स, उससे क्या होगा जो आप लोग की लिपस्टिक्स की वजह से ब्राउनिश से ब्लैकिश से लिप्स हो गए ना वो भी दोबारा पिंक होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा जी, अब आता है लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप की बारी, आप लोगों ने स्किप नहीं करना है, इससे मेन ग्लो आएगी आपके चेहरे पे। चले जी, अब जो रात को हमें सोने से पहले करना है वो देखते हैं। हाँ जी, हमें चाहिए कोकोनट ऑयल, एक लेमन और एक गरम पानी के अंदर डिप किया हुआ टॉवल, ठीक है जी। और हमने रात को सोने से पहले कावा लाजमी पी के सोना है, लाजमी पी के सोना है, ठीक है जी। कावा नहीं है तो गरम पानी अकेला पी सकते हैं। चलें जी, अब हमने कोकोनट ऑयल को अपने हाथ पे लेना है, ये देखिए कोकोनट ऑयल हाथ में लिया, इसके अंदर से 2 ड्रॉप्स हमने लेमन के ऐड करने हैं, 1 2, ये हमारी एक्नी कंट्रोल करेगा लेमन। इसको हाथ पे हमने थोड़ा गर्म करना है, ठीक है जी, और ऊपर की तरफ मोशन में पिंपल को छोड़ देना है, पिंपल को हमें छेड़ना ही नहीं है, ठीक है जी। पूरे मुंह पे डार्क सर्कल्स हैं, वहां पे गर्दन पे कान पे, अरे हो एक तो लट्टे मेरी ना, हाथ पे बाजू पे जहां जहां आप लोग को ग्लो चाहिए, ये देखिए तकरीबन हम मसाज इसकी करेंगे 1 मिनट ऊपर की तरफ, और जिस जिसके पिंपल्स हैं और जिस जिसके पस वाले पिंपल्स हैं उन्होंने क्या करना है, लहसुन को दरमियान से कट करना है और अंदर दरमियान से कट करना, हल्का हल्का पानी लगा होगा, सिर्फ हल्का सा यहाँ 5 दफा टप 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 करने और 15 मिनट बाद मुंह धो लेना है, मुंह अच्छी तरह धो लेना है, लेकिन साबुन से नहीं धोना, इस जगह पे ज्यादा हाथ नहीं लगना चाहिए, थोड़ी सी जलन होगी लेकिन पिंपल ना 1 दिन के अंदर ही बैठ जाता है या 2 दिन में, ठीक है जी। अब हम लोगों ने 1 मिनट मसाज कर लिया, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है जी, ये कोकोनट ऑयल में नीचे रख दूं, अब हमने ये गर्म पानी के अंदर, इतना गर्म कि हाथ ना जले लेकिन गर्म है, इसके अंदर टॉवल डिप किया हुआ था, अब ये हमने छोड़ देना है और हमने इसको मुंह पे लेके, ठीक है जी, गर्म है इस वक्त बड़े मजे का, मुंह पे लेके हम लोगों ने 5 मिनट की रिलैक्स हो जाना है, आंखें बंद कर देनी है, कुछ नहीं सोचना, रिलैक्स हो जाना है। ठीक है जी, अब मैं 5 मिनट बाद वापस आती हूँ, ओके। हाँ जी, अब हमारे 5 मिनट गुजर गए, हमने तौलिया उतार दिया, तौलिया उतारने के बाद हमने क्या करना है, जो साइड अंदर की तरफ थी उससे हमने मुंह साफ नहीं करना, ये वाली साइड अंदर की तरफ थी, हमने इस जो साइड बाहर की तरफ थी उससे हमने हल्के हाथों के साथ, बिल्कुल हल्के जो लगा हुआ है कोकोनट ऑयल वो हमने बस उतार देना है, बिल्कुल आहिस्ता, रगड़ना नहीं है। अब आप लोग मुंह देखें, ग्लो ग्लो हुई ना, ग्लो 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 आएगी, कैसे नहीं आएगी, ठीक है जी। और अब हमने कावा पीना है और फिर हमने सो जाना है, ठीक है। हाँ जी जनाब, वीडियो देखने का बहुत 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 शुक्रिया, आसान से सिंपल से 3 से स्टेप्स हैं जी, हमारी मेकअप आर्टिस्ट यहाँ पे मेकअप कर रही है। हेलो ईमान जनाब, सा कोई लिफ्ट नहीं, चले जी अब आप लोगों ने करना क्या है जी, 7 डेज रेगुलर इसको करना है, मुझे दुआ में याद रखिएगा, आऊंगे मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। यूज कर रहे होंगे और सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे होंगे ज्यादा से ज्यादा, और जी अच्छा सोचे अच्छा ही होगा, ओके जी, अपना ख्याल रखिए, अपने साथ जुड़े लोगों का ख्याल रखिए, आऊंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। माने मुझे दे दो, नहीं मुंह में नहीं, मुंह में नहीं, मान दे दो, नहीं थोड़ा सा दे दो ना, बस हो गया मेकअप बेटे, हो गया मेकअप, इधर दे दो मामा। हाँ अच्छा चलो डस्टबिन में फेंक दो, कैसे फेंकते हैं, गंदा हो गया और देती है मम्मा, फेंक दो फेंक दो फेंक दो, इसे मन्यू वाला देंगी, नहीं जी दे दो जी। हाथ पे लगा दो ऐसे, नहीं 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 नहीं, नहीं। आहिस्ता आहिस्ता।
खराब लड़की सब खाला क्या कहेंगी। हाँ जी, अब मैंने लिप्स भी